Kashmir to Kanyakumari on bicycle. What a wonderful job you've done. उन्हें प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने उन्हें हाल ही में सम्मान से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है आदिल तेली जिनने साइकिलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया और हाल ही में इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका सफ़र कैसा रहा और इनको क्या मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो आदिल साहब का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो आप हमें ये बताएं कि ये साइकिलिंग का शौक़ आपको कैसे पड़ा? देखिए, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था और मैं एक नॉर्मल साइकिल चलाता था, लेकिन इतना एज अ प्रोफेशन आ जाएगा तो तभी सोचा नहीं था। बट 2013 में पहली बार जब नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो गया था और 2014 से मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था नेशनल लेवल पे कंटिन्यूसली और सीनियर नेशनल लेवल भी किया। और उसके बीच में मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स भी खेली जिसमें मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया 3 साल कंटिन्यूसली। और 2019 में मैं श्रीनगर टू ले गया था और वहाँ से मुझे अच्छी खासी मोटिवेशन मिली कि आई कैन डू बेटर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा टाइटल होता है और इसको हासिल करना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया। आज तक हम सिर्फ अटेम्प्ट देखा करते थे और सुना करते थे, बट बड़ी खुशी मिलती है कि आज मेरा भी नाम वहाँ पे दर्ज है और मैं भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आदिल तेली से मुझे मिलने का अवसर मिला था। एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे आदिल के जज्बे ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और देश विदेश के बड़े बड़े अखबारों में उनकी चर्चा हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने उन्हें हाल ही में सम्मान से नवाजा है। कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल पे चलना आसान नहीं रहता किसी भी इंसान के लिए। यहाँ पे इंसान गाड़ी में थकता है और साइकिल की बात ही नहीं है। बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ के लिए। मैं 6 महीने पहले पंजाब चला गया था जहाँ पे मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था इस अटेम्प्ट के लिए। और वहाँ पे मेरे जो कोच साहब है राजेश कौशिक जी और हरजोत और पूरी यूनिवर्सिटी की टीम, फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट मेरे साथ लगी हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे तैयार करने में। और जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया था, नवंबर में हमने अप्लाई किया और फेब में हमारा वहाँ से रिस्पांस आया था जो कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई थी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, आप इस अटेम्प्ट को ले सकते हो जी। तो उसके बाद जो हमारा अटेम्प्ट का डेट आया था 22 मार्च को हमने जर्नी स्टार्ट की थी। और 22 मार्च जब हमारी जर्नी स्टार्ट की थी, ड्यूकाम साहब ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था वहाँ पर। जब मैं स्टार्ट हुआ था चलना श्रीनगर से, पूरे दिन बारिश पड़ रही थी। श्रीनगर टू जम्मू का हाईवे सबको पता रहता है कितना ख़राब रहता है और इतनी ज़्यादा छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था सड़कों से कि बड़ी दिक्कत हो रहा था कंट्रोल करना साइकिल को, क्योंकि हमारे जो कार्बन साइकिल्स होते हैं उसमें कार्बन पैड्स लगे होते हैं कंबशन व्हील्स में, तो वो ब्रेक जब रेत घुसती है उनके अंदर तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बेशक स्पीड कम रही और लेकिन बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस बड़े जो कठिन सफ़र था वो मैंने क्रॉस किया श्रीनगर टू जम्मू का। और उसके बाद जब मैंने पंजाब पहुंचा वहाँ पे भी कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही थी। और जब मैं दिल्ली पहुंचा फिर गर्मी का असर स्टार्ट होने लगा। उसके बाद दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, सागर, नागपुर और हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई, जब मैं इन स्टेट्स में गुजरा तो गर्मी का इतना ज़्यादा इफेक्ट मुझ पर पड़ा कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी सारी सनबर्न, मेरी इतनी स्किन जल रही थी, मेरी बहुत ज़्यादा सनबर्न हो रही थी मेरी बॉडी पे। Hi Adil, I come to know you did in 8 days from Kashmir to Kanyakumari on bicycle. What a wonderful job you done. I know you made a world record, but as a sports person, I want to wish you all the luck in future also. I'll come and help you wherever you need me. But what a wonderful job you have done that. तो आपने जैसे कि ये सफ़र 8 दिनों में सफ़र किया, तो आप दिन में और रात में कंटिन्यू चलते थे? जी, मेरा जो टारगेट था मुझे पहले ही बताया गया था कि जितना आप सैडल पे बैठोगे कम से कम आपको 18 से 19 घंटे की राइड करनी है पर दिन 24 आवर्स में से। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं 18 से 19 घंटे की राइड हर दिन करता था जिसमें मुझे कम से कम 435 किलोमीटर से ऊपर टारगेट रखना पड़ता था ताकि अगर मुझे इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक अच्छे मार्जिन से बीट करना है।
मैं 18 से 19 घंटे की राइड करता था, और जो मेरे बाकी के रेस्ट आवर्स रहते थे उसमें मुझे पावर नैप मिलते थे फिजियो के लिए। जब मैं 120-150 किलोमीटर की राइड करके ख़त्म करता था और मुझे पावर नैप मिलता था 45 मिनट्स का फिजियो के लिए, जो मुझे वहाँ पे रेडी करता था और मुझे मसाज स्ट्रेचिंग वगैरह करता था कि मैं फिर से थोड़ा बहुत राइड कर सकूँ कि अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो मुझे नींद के घंटे कुछ घंटे मिलते थे, 2 या 3 घंटे मिलते मुझे नींद के लिए, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत रिकवरी मिल जाती थी और मैं फिर से रेडी हो जाता था राइड के लिए। तो अल्टीमेटली जब आपकी डेस्टिनेशन पूरी हो गई, जब आपने मुकम्मल अपनी राइड कर ली, तो वो उस टाइम का वो फीलिंग कैसी थी, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने बहुत ज़्यादा रोया। फाइनली जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो गया, जो मेहनत की थी वो रंग लाई और इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने अपने नाम कर लिया। और बड़ी खुशी है कि आज तक हम सिर्फ अटैम्प्ट देखा करते थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के, और सुना करते थे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे अटैम्प्ट होते हैं, लेकिन आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम देखकर मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है। पूरे जम्मू कश्मीर को खुशी मिलती है कि हमारा कोई लड़का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना पाया।